मायावती जी को भी बहुत बहुत बधाई तो आप 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक मैं थोड़ा सा बाबा राम अम्बेडकर के उससे चलता हूँ। जितना सक्रिय इन्होंने काम देश के लिए किया, ये ज्यादा क्योंकि सभी गुण सभी जानते हैं, इसे शॉर्ट में लिया जा रहा है। तो संविधान इन्होंने तैयार किया, आज तक उसी का पालन चला, उसी को स्वीकार किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मायावती जब मुख्यमंत्री थी, जितना योगदान उन्होंने दिया, जितना योगदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिया किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। सबसे ज्यादा मायावती ने करा और किसी ने नहीं करा। उतना सहयोग आपका भी इसी प्रधानी के चुनाव में गांव के संचालन में भी है, तो आप भी उसी सहयोग को बढ़ा करके जैसे चले आ रहे हैं ऐसे चलते रहो। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मायावती जी के 65वें जन्मदिन को मना करके और हमारे जो पदाधिकारी हैं प्रधानमंत्री के उनको आशीर्वाद बढ़ाना। भाई कोई अपने विचार रखना चाहे तो भैया बड़े आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं अशोक सम्राट विधानसभा अध्यक्ष लोनी बहुजन समाज पार्टी आप सबको जय भीम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सभी को माननीय बहन जी के 65वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो कार्यक्रम यहां पर लगाया है इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, मुखिया जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहन जी का जो कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, जब जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, मेरे गुर्जर समाज के साथी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जब जब बहन जी का मौका मिला है तो गुर्जर समाज को बहन जी ने
एक विकास की तरफ ले जाकर उनको पहुंचाया है और नौ नौ जो मंत्री पद की जो नौ नौ बत्तियां उनको दी है। इतना मान्य है काम किया है और किसी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में इतना काम नहीं किया है। अब जो देख रहे हैं आप शमशान घाट मुरादाबाद हुआ है, उन्होंने तो सुन लो भाजपा के लोगों ने शमशान घाट को नहीं बक्सा, वहां से भी वो लोग दलाली खा गए। तो अगर बहन जी की सरकार होती और इस तरह का वहां पर, तो माननीय बहन जी पूरे जिले को सस्पेंड कर देती और वहां के चेयरमैन को भी जेल में डाल देती। आप लोगों ने देखा होगा बहन जी के शासनकाल में जहां भी इस तरह की घटना होती थी पूरे जिले को बहन जी सस्पेंड कर देती थी। तो मेरे सम्मानित साथियों, ये हमारे बुजुर्गों ने तो अपने खून पसीने से इस पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं, चार चार बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अब आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, आप युवा साथी हैं, आप एक बार फिर से इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेकर माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। मैं वादा करता हूँ इस लोनी का विकास नोएडा की तर्ज पर मैं करा कर आप लोगों को दूंगा, ये मैं आपसे वादे करता हूँ। और आपके जो अभी गांव में जिला पंचायत और प्रधानी का जो चुनाव है, मुखिया जी जैसे आप आपके साथ में खड़े हैं, आपको भी अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हुए मुखिया जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सभी मेरे भाइयों, मेरे बड़े बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। और ये बहन जी मायावती जी का जन्मदिन है, 65वां जन्मदिन मना रहे हैं आप सभी के बीच में, आपने अवसर मौका दिया है। हम तो छोटे भाई और सभी को मिलके मनाया जा रहा है, इसमें हमारी बहन जी ने हमारे लिए और सभी बिरादरी के लिए बहुत अच्छा बहुत विचार लेकर हमारे सबको साथ रह के चलिए। और जैसे इनके विचार रहे हैं और हम भी पिछले योग बने आपके जो जिसके लिए हम खड़े हो रहे हैं प्रधानी के लिए, और हमें आपको इस भाइयों को मौका मिला तो हम भी आपको हर जगह आपके साथ रहेंगे, हर तरीके से चलेंगे सब। ठीक है, खावा मुखिया जी खावा मुखिया जी खावा मुखिया जी बच्चों का कॉपी और पेन ये लोग लाए हैं बच्चों के लिए, कॉपी और पेन गरीब बच्चों के लिए अपनी तरफ से हम लोग कुछ कॉपी और पेन दे रहे हैं जो गरीब बच्चों को।
जय भीम नमो उद्धार साथियों, हमें जावली गांव में जो गाजियाबाद जिले में पड़ता है और यहां पर अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले बहन जी का 65वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया और हमारे साथ है देवेंद्र मुखिया जी जिन्होंने बहन जी का जो ये जन्मदिन का केक है इन्होंने कटवाया और बच्चों को पेन और कॉपियां इन्होंने बांटी है क्योंकि इनका कहना है बाबा साहब जो है ना शिक्षा पे बड़े जोर देते थे, वो कहते थे सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसलिए इन्होंने कॉपी और पेन बच्चों को वितरित करवाए जो निर्धन बच्चे थे और काफ़ी सारे पेन और कॉपियाँ बंटवाई हैं इन्होंने और बहन जी का जो केक है जन्मदिन का केक काट के लड्डू भी इन्होंने बंटवाया। आइए इनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, हमारा न्यूज ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपने जन्मदिन मनवाया है बहन जी का, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपने पहली बार यहाँ जावली में जन्मदिन मनवाया, पहले तो कभी नहीं मना? नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई हम गांव से पहले भी जुड़े रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। वो बाकी जो है आज की डेट में आपका भाई जो प्रधानी की तैयारी पे लगे हुए हैं और हमारी जो कुमारी बहन जी मायावती जी जो हैं इनका 65वां जन्मदिन है, तो हमारे भाई लोग जो भी हैं गांववासी सबका निर्देश था कि भाई बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ करा जाए, तो हमने ये विचार लगाया कि भाई थोड़ा काफ़ी पेन बांट के बच्चों के लिए थोड़ा अपनी तरफ से जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये गिफ्ट कराया जाए और बाकी आने वाले समय में गांव में जो भी हमारी जो बहन जी हैं जो विधवा हैं पेंशन के लिए दिक्कत है जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, अब से पहले प्रधान भी काफ़ी लोग रह चुके हैं लेकिन इन चीज़ों पर गौर नहीं किया है, तो हमारा विचार ये है ऊपर वाले ने हमें अगर मौका दिया और इस पद के लिए अगर हमें ऊपर वाले ने ये मौका दिया तो हम जो भी परेशानी हमें नज़र में आ रही है पेंशन है विधवाओं की, किसी के आधार कार्ड नहीं बने हैं, किसी के राशन कार्ड नहीं बने हैं, इन चीज़ों पे जो हम हर वर्ग के आदमी को एक साथ लेके चलेंगे और जो भी हम पे होगा अच्छे से अच्छा उसके कार्य करेंगे और हमारी बहन जी और भाई माँ अम्बेडकर जी था उनका भी यही विचार था कि भाई हर बिरादरी को हर उसको एक साथ लेके चलना है, यही हमारे आप विचार हैं छोटे भाई के आपके देवेंद्र मुखिया जी। मुखिया जी, जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अभी तो यहाँ पर सीट डिक्लेयर नहीं है, आप तैयारी फिर किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सीट जो है अभी तैयारी पे है ऊपर वाले। अभी सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि जावली नगर निगम में आने वाला है और आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है? बस देखो ऐसा है जी, ये तो नगर पालिका में आए या कुछ भी आए जैसा समय होगा वो तो देखा जाएगा, बाकी तो देखो समाज से भी गए हैं समाज से जुड़े रहेंगे, जो सेवा तो फिर भी जारी रहेगी। अम्बेडकर में ये भीम उसमें आएगा जब भी ठीक है और प्रधानी में आएगा तो जब भी ठीक है, समाज के साथ जुड़े हुए जुड़े रहेंगे। अगर प्रधानी में आएगा तो प्रधानी लड़ेंगे और नगर पंचायत में आएगा तो पार्षद ही लड़ेंगे, ये भाई ये तो है ही, ये तो आप आपके जो शुद्ध विचार आप बोल रहे हो वही है हमारे भी। चलो मेरी देवेंद्र मुखिया जी आपके साथ मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप और आपका जो क्षेत्र है चारों तरफ तरक्की करे और हमेशा आपके जो क्षेत्र है ये हमेशा बुलंदियों को छुए, ऐसी मेरी कामना है और आपको एडवांस में शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी, आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पूरे हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमोदय जय भीम।